नमस्कार, मिथुन प्राइम पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ खुशबू शर्मा। खास शो आज आपके बीच लेकर आई हूं और ये एक शो खास इसलिए है क्योंकि इस शो के माध्यम से हम ये जानेंगे कि कैसे ईश्वर की इबादत की जाती है, कैसे संगीत के माध्यम से हम ईश्वर तक पहुंच सकते हैं। कहते हैं कि तेरे पास बैठना भी इबादत, तुझसे दूर रहना भी इबादत, न माला न मंत्र न पूजा न सजदा, तुझे हर घड़ी सोचना भी एक इबादत। जी हाँ, ईश्वर को याद करने का कोई वक्त नहीं होता। अगर आप सच्चा इश्क करते हैं तो भी आप ईश्वर की इबादत कर रहे हैं। और यकीन जानिए, किताबें और संगीत ऐसे सच्चे दोस्त हैं जो घंटों घंटों आपका समय भी पास कर सकते हैं और आपको जीवन में अच्छी राह भी दे सकते हैं। तो चलिए स्वागत करते हैं, हमारे साथ दो बहुत ही आज शानदार मेहमान मौजूद हैं और शख्स से अब शख्सियत वो बन गए हैं क्योंकि उनके बनाए हुए गाने, उनके गाए हुए सूफी अंदाज का जो संगीत है वो वाकई हमारे कानों में रस खोलता है। तो हम स्वागत करते हैं पंजाबी सूफी गायक शमशेर लहरी जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, अमेज़न प्राइम पर आपका बहुत बहुत स्वागत है और साथ ही वीरेंद्र ढिल्लो जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार खुशबू जी और MH1 प्राइम देखने वाले सारे दोस्तों, साढ़े दोवों भरावों वालों सत श्रीकाल और बहुत सारा प्यार सत्कार, मालक सारे चढ़ती कला च रखे। शुक्रिया सर। सर, सबसे पहले आपके नए गाने की बात हम करेंगे, इश्क नू छेड़ी ना जी। तो बिल्कुल जैसा हम पहले भी हमने चर्चा की थी, तो कहते हैं कि जो इश्क करता है वो बावला सा हो जाता है, दुनिया से अलग वो हो जाता है, सच्चा इश्क करने वाला। तो क्या है इस गाने का, जरा हमें थोड़ा समझाइए। खुशबू जी, ऐसे है भाई, जैसे आपने हमारे जो क्वेश्चन आपने किया उसका आंसर आपने खुद ही दे दिया भाई। इश्क जो करता है वो बावला हो जाता है, बावला इंसान, बावला उसको बोल सकते हैं, उसको मस्ताना बोल सकते हैं, है ना जी। जैसे बावला क्या है, उसको दुनिया की, उसको उसके ये शरीयत की दुनियावी धार्मिक रीति रिवाज, लोग क्या कहेंगे, इन सारी चीज़ों के वो परवाह किए बिना, है ना, इन चीज़ों से ऊपर उठ जाता है। जैसे गाने के अंदर गाने के बोल हैं भी, सुन अड़िए कन ला के इश्क नू छेड़ी ना भी। इश्क दी गल्लां करनी आसान है ना जी। इश्क नू, इश्क जिहड़ा कुर्बानी मंगदा है, इश्क कहिंदे बंदे तो लैंदा भी कुछ नहीं ते उहदे कोले छड़दा भी कुछ नहीं। जिद्दां इश्क तां आपां इश्क तां बाहर कह दिंदे आ भई, आपां इश्क आशकां दे विच किहदा नां लैंदे आ, आपां नां लैंदे आ हीर रांझे दा, है ना जी, लैला मजनू दा, इन्हां दा। ये इश्क जिहड़ा सीगा ये दुनियावी इश्क सीगा, असली जिहड़ा इश्क कीता वो ईसा मसीह साहब ने कीता, है ना जी। हसदे हसदे वो लोकां ने उन्हां दे सूलियां चबोईयां, फांसी तोड़ा उन्हां नूं, है ना। मंसूर साहब नूं जिद्दां लोकां ने पत्थर मारे ते लास्ट च उन्हां ने सूली ते उन्हां नूं टंगता सीगा। समस्तवरे साहब दी जिद्दां चमड़ी लोकां ने उतारी, गुरु अर्जन देव जी नूं तत्ती तवियां ते बिठाया, गुरु गोबिंद सिंह जी दा सारा परिवार ए जिहड़े कुरबान उन्हां नूं करना पिया, वो सच्चा इश्क है, जिहड़ा मालक दा इश्क है, जिहड़ा जिहड़ा हमेशा हमेशा नाल रहिंदा है, वो इस दुनिया च भी नाल रहिंदा है, अगे जावांगे उत्थे भी नाल रहिंदा। गाने दे विच गल भी कीती वी है भी, कोई तत्तियां तवियां ते नचे, कई आशक छवियां ते नचे, तिखियां तलवारां ते नचे, खंडे दियां धारां ते नचे, कि इस गली विच वड़ना पैंदा है, तलियें सीस टका के इश्क नूं छेड़ी ना, सुन अड़िए कन ला के इश्क नूं छेड़ी। ऐसे नहीं सर, जरा गुनगुना देंगे तो और मजा आ जाएगा। जी सर। सुन अड़िए कन ला के इश्क नू छेड़ी ना, छड़दाई कख उड़ा के इश्क नू छेड़ी ना, नी सुन अड़िए कन ला के इश्क नू छेड़ी ना। क्या बात है, बहुत बहुत बधाई, क्योंकि कानों को रस घोलने वाला जैसे मैंने कहा और आनंद देने वाले म्यूज़िक की आजकल ज़रा सी कहीं खलिश महसूस होती है। अच्छा सर, आप दोनों से जवाब मैं ज़रूर जानना चाहूँगी, क्योंकि ये जो दुनियावी रंग है ये बड़ा आजकल बेढंगा सा कई बार देखने को मिलता है, कहीं शराब की बात होती है, कहीं बड़ी बड़ी कारों की बात होती है, महलों की बात होती है, लेकिन सच्ची बात दुनिया से थोड़ी नदारद नज़र आती है। आपके अंदाज में, सूफी अंदाज में, शायरी के अंदाज में वो महसूस होता है। कैसे शुरुआत हुई, कैसे सोचा, कैसे आप बाकी दुनिया के गाने बनाने वालों से अलग हैं? नहीं खुशबू जी, जैसे आपने पहले पूछा भी, बाहर दुनिया जो है वो नशा ढूंढती है, शांति ढूंढती है, पीस ढूंढती है बाहर नशों में, है ना जी? जी, ये नशे तो क्या है, रात को किया सुबह उतर जाता है, क्या बात है? लेकिन जो असली मालिक के नाम का नशा है वो हमेशा कायम रहता है, वो उतरता नहीं है। और
जैसे अगर दुनिया की आप बात करते हैं तो सूफी जो संगीत है वो कभी मरता नहीं है। आप पुराने गाने उठाओ, 60 साल पुराने, 50 साल पुराने, वो आज भी आप सुनोगे तो ऐसे लगेंगे जैसे उनको आज ही गाया गया है। बिल्कुल ये बिल्कुल कमाई का सही। संगीत है, जिन फकीरों ने, जिन मालिक के आशिकों ने कमाई की मालिक के नाम की, और कमाई से निकली हुई चीज़ है जी, है ना। ये गल्लां गल्लां वाला संगीत नहीं है ये, एक क्या कमाई बात चो है, निकला हुआ संगीत है क्या बात है, ये जी। बहुत बड़ी बात है। अच्छा सर, एक बहुत ज़रूरी, जो हमारे दर्शकों तक पहुंचनी ज़रूरी है, वो आपसे ये जानना चाहूंगी कि ये जो त्रासदी का समय पिछले दिनों हमने देखा है, जी लगभग 1.5-2 साल का वक्त हो गया है, अब कुछ समय में 2 साल भी होंगे, कोरोना जैसी स्थिति हमारे देश को खा गई है, इस पर हमने आपका गाना सुना, गाने के बोल सुने, जी आपने ढांढस बधाई लोगों को, आपने ये बताया कि कैसे इस स्थिति से लड़ा जा सकता है, तो जरा उसके कुछ बोल अगर चाहें तो गुनगुना दे देंगे तो हमारे दर्शकों को। उसके जी खुशबू सर। जी, उसके आपको एक और, लोग कहते हैं भी कोरोना आ गया है ना, बड़ी महामारी आई है, ठीक है, मानव जाति के लिए, इंसान के लिए, पूरी दुनिया के लिए बड़ा खतरनाक सिद्ध हुआ है। बड़े लोग हमारे बीच में से चले गए, लोगों के कारोबार भी नुकसान हुआ सबको। जब कोई भी चीज़ गलत होती है तो उसके कहीं ना कहीं बुरे रिजल्ट तो देखने को मिलते भरपाई हैं, करनी तो होती उसी है। टाइम ये 4 लाइनें शमशेर जी ने लिखी थी जी उसकी, जी जी आपको। स्वागत है सर। फैली कैसी अग सारा सड़ी जांदे जग, फैली कैसी अग सारा सड़ी जांदे जग, एक दूसरे तो लग लोक मरी जांदे है। मेर कर बाबा आके ठंड बरसा दे, तेरे बच्चे घरां च बैठे डरी जांदे है। मेर कर बाबा आके ठंड बरसा दे, तेरे बच्चे घरां च बैठे डरी जांदे है। क्या बात है, बहुत बहुत बधाई सर, इतना शानदार गायकी के लिए और इतने बेहतरीन अंदाज के लिए। सर एक चीज़ आपसे और जानना चाहेंगे कि जब ये शुरुआत की आपने तो क्या मन में आया, कैसे ईश्वर ने आपको रास्ता दिखाया कि हाँ इसी रास्ते पर चलो, इबादत करो, और इश्क भी एक इबादत है, संगीत भी एक इबादत है, तो कैसे ये सफ़र शुरू हुआ? खुशबू जी, है क्या सफ़र इंसान खुद शुरू नहीं कर सकता। जी जैसे कहते हैं ना, वातावरण के अंदर इंसान के इर्द गिर्द जो हम देवी देवता या हम भगवान की तलाश बाहर करते हैं, वो शक्तियाँ हमारे आसपास ही रहती हैं। जब इंसान बुरे कर्मों की ओर चला जाता है तो वो शक्तियाँ उसको बुरे सिस्टम के अंदर ले जाती हैं। जब वो कहीं ना कहीं थोड़े उसके कोई कर्म अच्छे होते हैं तो वो अच्छाई की तरफ चल पड़ता है। तो हम खुद कहीं भी हम चले हैं, हमारी कोई औकात, हमारी कोई ताकत नहीं है कि हम अच्छे रास्ते पे, अच्छे संगीत को हमने चुना है, उस मालिक ने, उस सूफी संगीत ने, उस परम शक्ति ने, उसने हमें चुना है। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा सर, इस गाने की बात करें, इश्क नू छेड़ी ना, किसने लिखा, कहाँ से ये सोच आई कि हाँ हमें इबादत जो करनी है वो एक इश्क के तौर पर हमें करनी है और ईश्वर से अपने इश्क को जोड़ना है, तो कैसे लिखा गया, कैसे शुरुआत हुई, और आप में से किसने वो गीत लिखा? वो गाना किसी का, खुशबू जी, वो पाकिस्तान के एक फकीर ने, एक जी बाबा है जी मोहम्मद रफीक जी, जी उन्होंने उस गाने नू गाया सीगा, जी लिखिया सीगा। जी फिर उस तो बाद उस गाने दे विच मालिक ने मेरे तो भी काफ़ी पार्ट जिहड़ा हैगा लिखवाया। क्या बात है। तां वो क्योंकि वो गल ही बहुत सोहनी है, वो गल बड़ी, वो रूहानी इश्क दी गल, सच्चे इश्क दी गल है। फिर वो गाना साडी सारी टीम नू बड़ा पसंद आया, जी इदां ये गाना बनया, सारा प्रोसेस ये रहा। जी बहुत बहुत अच्छा और बहुत शानदार। तो टीम मेंबर्स ने कैसे किया, क्योंकि आजकल तो हम ये देख रहे हैं जो पुराने गाने हैं उसी को लोग रॉक स्टाइल में बदल के और उसी को मॉडिफाई करके एक नया वर्जन के तौर पे लेकर आते हैं, लेकिन आपके गाने में वही सच्चाई महसूस हो रही है, वही मिठास महसूस हो रही है। आपने नहीं सोचा कि अगर इसको मॉडिफाई करके किया जाएगा तो युवाओं तक ये ज़्यादा पहुँचेगा, क्या आपको ऐसा नहीं लगता? नहीं, वो ऐदा हैगा जी, जी मतलब ज्यादा भुख है नहीं ना भी हालांकि बन। मुझे ये ऐसे ही पसंद आया, मैं आपको सच बताऊं तो मैं इस गाने को घंटों सुन सकती हूं, मुझे इतना मिठास लगा, लेकिन आजकल की जनरेशन से जोड़ते हुए बात कर रही हूं, क्या कहेंगे आप? नहीं, नौजवान पीढ़ी बहुत प्यार कर रही है गाने जी को, जी सभी जो नई पीढ़ी के बच्चे हैं, जो हमारे साथी हैं, बहुत प्यार दे रहे हैं सभी, सभी मतलब बहुत अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं उनके जी जी। नहीं बिल्कुल, बेशक आने भी चाहिए क्योंकि आपने मेहनत इतनी की है। आगे के लिए आपके क्या प्लान्स हैं, किस तरह से आप इस सूफी अंदाज को और ज़्यादा आगे लेकर जाएंगे, ईश्वर के करीब आपके ये जज्बात पहुँचे, इसके लिए और क्या तैयारी आप हम कर रहे प्लान नहीं हैं? करते खुशबू जी कुछ भी, अच्छा
हम मालिक के ऊपर छोड़ के रखते हैं क्या हर बात बात। है, हम क्या बात अपनी है, ओर से हमारा 100 का 100 देने की कोशिश करते क्या हैं ना, बात है। हमारी पूरी मेहनत करते रहते हैं, बाकी मालिक के ऊपर छोड़ देते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे टेम्परेरी हैं, हम यहाँ पे परमानेंट नहीं है। हम पता नहीं मालिक हमें कब बुला ले, कब यहाँ से जाना पड़ जाए, है ना। तो हमें कोई भूख नहीं भी, हमने बहुत बड़े महल खड़े करने हैं, बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियाँ लेनी हैं, बहुत दुनिया में नाम कमाना है। जिन्होंने नाम कमाया, जिन्होंने पूरी दुनिया फतेह कर ली, सिकंदर जैसे राजे वो भी यहाँ से खाली हाथ गए हैं, यहाँ से क्या बात है। रोते कुरलाते गए हैं। हम खुशबू जी, इस तरह का संगीत बिल्कुल को हमें देख के ऐसा ना लगे भी हमने सिस्टम के साथ, समाज के साथ, मानवता के साथ, इंसानियत के साथ इंसाफी नहीं की। इस तरह के गाने, इस तरह के बोल, इस तरह के म्यूजिक को अपनाने की या पूरी टीम को हम बेनती करते हैं भी इस तरह की वो चीज़ें लेके आओ जिसको पूरा परिवार बैठ के देख सके, सुन सके आराम से। हम आप यहाँ पे कुछ भी कर रहे हो ना, आपका एक एक मूवमेंट आपका रिकॉर्ड हो रहा है, आपका कैप्चर हो रहा है, तो उसका जाके आपको आगे मालिक की दरगाह में हिसाब देना पड़ेगा। ये बिल्कुल बात सच्ची है, इस बात को मानना चाहिए, सभी को इस बात को पक्की कर लेना चाहिए कि आगे जाके हिसाब होना है। तो हमारे ऊपर मालिक ने कृपा कर रखी है, अभी हम जो एक एक लफ्ज़ बोल रहे हैं, जो गा रहे हैं, उनको पूरी दुनिया सुनती है। तो हमारा गाना सुन के किसी के अंदर मालिक के प्रति प्रेम जागे, दुनिया के प्रति, यहाँ के झूठ के प्रति प्रेम ना जागे, तो हम वहाँ पे जाके हिसाब होगा। अच्छा गाएंगे तो वहाँ पे फूल बरसेंगे, नहीं तो वहाँ पे जूत पड़ेंगे। बहुत अच्छी बात आपने कही सर, और इसके लिए मैं वाकई, देखिए सोच का फर्क है और यही शायद फर्क बाकी गानों में और आपकी एल्बम में हमें नजर आता है कि आप किस तरह से बहुत ही मधुरता के साथ कोशिश करते हैं कि सहज भाषा में और सादगी भरे अंदाज में आपकी बात, आपके विचार, आपके जज्बात लोगों तक पहुंचे और लोग भी समझें उस बात को कि सादगी में ही खूबसूरती है। और जी हम बड़े खुशनसीब हैं खुशबू जी, भी मालिक ने हमें मौका बख्शा है सारी संगत की जुतियां को साफ करने का। क्या बात है, क्या बात है, क्योंकि खुशबू जी क्या बाहर बात के है। जो रंग है ना, बाबा बुल्ले शाह ने कहा है, बुल्ले शाह रंग फिक्के पै गए, एक एक करके एक करके सारे, सारे। हाँ, क्या तू तो बोल रहे करके जित गए सी, मैं करके हारे। हो, हाय हाय तो बाहर के जो रंग है ना जी, इन्होंने फिक्के पड़ जाना है। पैसे वाला इंसान है, उसके पैसे चले गए, रंग उतर गया, है ना जी। अब इंसान बड़ा खूबसूरत है, वो जवानी थी, बड़ा सुंदर दिखता था, बुढ़ापे के अंदर क्या होता है भी, इंसान शीशे के अंदर अपना फेस देखता है ना, उसको अपना फेस देखने को दिल नहीं करता। इंसान तो बिल्कुल वही हाँ, है, इंसान वही है। वही है। और बाहर बड़े बड़े ऑफिसर हैं, उनके रिटायर हो गए है ना, तो उनका रंग उतर गया। तो चौधरी उतर गई, हर चीज का रंग, नेता है इलेक्शन में हार गया, वो रंग उतर हाँ, जाता रंग है। उतर क्योंकि जाता बाहर के जो रंग है ना, टेम्परेरी है, तो उसके साथ सच के साथ जुड़ के रहोगे आप, तो फिर वो रंग हमेशा चढ़ा रहता एक है। बार कबीर साहब फकीर हुए हैं, जी वो किसी बाजार में जा रहे थे, तो उनके आगे कुछ 5-7 लड़कियां जा रही थी, उनमें से एक लड़की की सगाई हुई थी नई नई, जी तो उनकी ससुराल वालों ने उस लड़की के लिए एक नथनी भेजी जी नाक के लिए। तो वो अपनी सहेलियों से उस नथनी की चर्चा करती जा रही थी, नथनी ऐसी सुंदर है, ऐसी बनी है मेरे लिए, मेरे होने वाले पति ने भेजी है, मतलब उसकी तारीफ करती जा रही थी। तो पीछे कबीर साहब सुनते आ रहे थे, तो उनके साथ आके मिलके उन्होंने एक श्लोक उचारया कि नथनी दीनी यार ने तो चिंतन बारंबार, आहा, नथनी दीनी यार ने तो चिंतन बारंबार, और नाक दीनी करतार ने उसको दिया विसार, क्या बात है, वाह 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 वाह, के नथनी यार ने दी तो दुनियावी कितने चीज, इसकी चर्चा हाँ कर रही है, कितनी प्रशंसा कर रही है, और जिस मालिक ने नाक दिया उसकी कोई चर्चा ही नहीं है, उसका कोई जिक्र ही नहीं है। क्या बात है। अगर नाक ना होती तो नथनी कहाँ डालती। तो यही हाल हमारा सब दुनियादारों का है, हम यहाँ की गाड़ियों का, बंगलों का, महलों का, घरों का, यहाँ के रुतबे का, हम उसकी चर्चा करते रहते हैं, उसकी सिफतें गाते रहते हैं, प्रशंसा गाते रहते हैं, और जिस मालिक ने इस काबिल बनाया उसको भूले बैठे हैं। क्या बात है, क्या बात है। सुकरात फकीर हुए हैं जी, वो शायद यूनान में थे ना, हाँ जी तो वहाँ पे उनका जो पड़ोसी था ना, उनको बड़ा तंग करता था, उसके पास पैसे थे काफ़ी, तो वो सुकरात साहब को बड़ा तंग करता था। सुकरात साहब ने एक दिन है ना पूरी दुनिया का नक्शा ले रखा था, तो उसके ऊपर देख रहे थे, वो कुदरती आ गया, कहते क्या देख रहे हो, कहते यार मैं यूनान को देख रहा हूँ। तो वो कहते भी यूनान इसमें का, यूनान तो छोटा सा देश है।
कहता फिर अपना कहीं शहर अंदर शहर को मेरे को देखने की इच्छा थी भी मैं मेरे शहर को, कहता वो शहर तो दिखना ही नहीं है। कहता यार जब इतना बड़ा यूनान नहीं दिखना, इतना बड़ा अपना शहर है वो नहीं दिखना, तू छोटा सा तेरे पास प्रॉपर्टी है तो उसके किस चीज़ का अहंकार करता है। तो यहाँ पे हम छोटे से, वो देखो मालिक खंडों ब्रह्मंडों का मालिक है ना जी, वो कभी अहंकार नहीं करता किसी भी चीज़ का। हम सबको रोजी रोटी देता है, पक्षियों की ओर देखो ना कुछ इकट्ठा करके रखते, ना कुछ बोते, ना कुछ काटते, मालिक उनको भी रोजी रोटी देता है। हमारे यहाँ पे चार पैसे आ जाएं, कुछ और हो जाए, हम हमारे पैर ही नीचे नहीं टिकते, हम अहंकार करने लग जाते हैं। दुनिया मालिक को बहुत गालियां देती है, वो किसी की रोटी बंद करता है? नहीं, कभी नहीं। किसी को सांस हवा देनी बंद करता है? कभी। किसी को धूप रोकता है? कभी नहीं। तो हम मालिक का रूप बनने के लिए ना हमारे अंदर वो गुण होने चाहिए जो मालिक के अंदर है। आजकल आप बाहर देखोगे धर्म का और भगवान का लोगों ने बड़ा ठेका ले रखा है, अलग अलग लोग ठेकेदार बने बैठे हैं भी, मेरे पास है मेरे पास है मेरे पास है। उसका रूप बनने के लिए आपके अंदर वो गुण होने चाहिए भी, आपको कोई पत्थर मारे, आप सूली पे लटका, आपको दुनिया लटका दे, आपको तत्ती तवियों पे बिठा दे, आपके परिवार को जाना पड़े तो वो हंसते हंसते सब खुश होके उस चीज रजा में राजी रहे, वो रजा में राजी रहे कि तेरा पाना मीठा लागी। क्या बात है। आजकल धर्म के नाम पे बातें बहुत हो रही है पर अमल नहीं है। और बाणी में लिखा है कि गल्ली जोग ना हुई, गल्ला नाल गल नहीं बननी, गल्ली असी चंगियां आचारी बुरियां, मनो कुसुद्धा कालियां बाहरों चिटवियां। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब। सर देखिए मैं इस बात की तारीफ बार बार कहे बिना नहीं रह पाऊंगी, क्योंकि हमेशा से मैं ये कहती हूँ कि संगीत वो होता है जो आपके दिल को और आत्मा को सुकून देता है, आपकी गायकी में वो नज़र आता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो लोग हमारे इस माध्यम से आपको सुन रहे हैं और आपकी बातों को महसूस कर रहे हैं वो ज़रूर ये समझेंगे कि वाकई सच्ची इबादत, सच्चा इश्क हमें ईश्वर के करीब ले जाता है। और इस दुनियावी जो ये मेला है इसमें भले ही कितनी ही दुकानें क्यों ना हो, लेकिन अंत में एक वही ईश्वर है जिससे हमें सरोकार रखना है। और आपके गानों से, आपकी बातों से वाकई ये महसूस हुआ। सर चलते चलते अब हम आपसे ये ज़रूर चाहेंगे कि आप अपने उसी अंदाज में कुछ और एक बेहतरीन से गीत का कोई मुखड़ा हो या कोई भी चीज़ आप गुनगुनाना चाहें जो हमारे दर्शकों के लिए भी बहुत उनको आनंद देने वाली हो और उनको भी सुनकर बहुत अच्छा लगे। जी सर। मेलां वाले मेल छड़नगे, कुलियां वाले कुली, सब नू पते कुछ नाल नी जाना फिर भी दुनिया पुली, सब नू पते कुछ नाल नी जाना फिर भी दुनिया पुली, करन की आए दुनिया उत्ते सोचन दी है लोड़ कुड़े, हथ बन के झगड़ा छोड़ कुड़े, हथ बन के झगड़ा छोड़ कुड़े। क्या बात है सर, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे बीच आने के लिए। और इतना शानदार आपकी बातें इतनी अच्छी रही, मैं यकीन के साथ ये कह सकती हूँ कि इस समय में बेहद ज़रूरी है इस तरह के संगीत की, इस तरह की बातों की, इस तरह के विचारों की, जो आपका सादा लिबास बताता है, जो आपके सादे अल्फाज बताते हैं और आपका सादा अंदाज जो गायकी का है, जो सूफी अंदाज है, वो वाकई दर्शकों का मन मोह ले। और हम ये उम्मीद करते हैं कि आपकी ये जो एल्बम है, ये जो नया गाना है, ये बहुत मशहूर हो और लोगों के दिलों तक ये पहुँच जाए। और आपको भी हालांकि देखिए कामयाबी आपने कहा दुनिया भी है, लेकिन ईश्वर की कृपा सदैव सभी पर बरसती रहे, आप पर बरसती रहे, हम पर बरसती रहे, इसी के लिए एक बार फिर बहुत बहुत शुक्रिया सर आप यहाँ आए, आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और MH1 प्राइम देखने वाले सभी दर्शकों का मेरी तरफ से, शमशेर जी की तरफ से नमस्कार प्रणाम, मालिक आप सबको खुश रखे और चढ़ती कला अनुसार हम रखे जी, थैंक यू दोबारा। चलिए बहुत शुक्रिया। और आज मेहमानों से हमने आपकी मुलाकात कराई, लेकिन इस सब का एक ही, उनकी पूरी बातों का हल सिर्फ एक निकला कि कुछ भी आप कीजिए लेकिन ईश्वर को अपने नज़दीक रखिए, क्योंकि ईश्वर ही है जो हर जरिए से आप पर अपनी कृपा बरसा सकता है। तो आप हमेशा खुश रहिए और ऐसे ही बेहतरीन सूफी म्यूज़िक को सुनते रहिए, हमारे वीरेंद्र ढिल्लो साहब के म्यूज़िक को सुनते रहिए, शमशेर लहरी जी के सुंदर अंदाज को आप देखते रहिए और देखते रहिए MH1 प्राइम। नमस्कार।